सीधी में जिला प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बदमाशों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। इसी कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने जिला बदर और वर्तमान एनएसए शुदा आरोपी कुलदीप उर्फ रिंकू शुक्ला के अवैध मकान को गिराया। जानकारी के मुताबिक कुलदीप शुक्ला ने वन भूमि की करीब 1 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया था, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई। उसके बाद प्रशासन ने कुलदीप शुक्ला का मकान गिराया। बता दें, कुलदीप शुक्ला मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का भांजा है और उस पर 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और आरोपी पर 9 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है।